हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। गुरुकुल के शिक्षा श्री राम के शिक्षा, गुरुकुल की शिक्षा श्री राम की शिक्षा। गुरुकुल के शिक्षा से बंधे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। गुरु वशिष्ठ उनको शिक्षा दे जो स्वयं है श्री भगवान। राजा रंक सब छात्र एक है, गुरुकुल के हैं नियम विधान। प्रातः काल की दिनचर्या में सूर्य नमन वाणी गुणगान। अध्ययन मनन से दिन बीते विश्राम की बेला आती। माँ की याद है आती, गुरु मालोरी सुनाती। ममता के छाया में है शिष्यों की इच्छा, गुरुकुल के शिक्षा श्री राम के शिक्षा। गुरु कर्तव्य कठोर सिखाते, गुरु माँ कोमल भाव जगाते। गुरुवर योग के गुण बताते, गुरु माँ साम वेद सिखाते। बड़े होते हैं सभी कुमार, गुरु सिखाते हैं शरीर विज्ञान। मन शरीर योग तंत्र सातों चक्र के ज्ञान सिखाते। पाप पुण्य धर्म कर्म की होती है सदा परीक्षा, गुरुकुल के शिक्षा श्री राम के शिक्षा। गुरुकुल की शिक्षा श्री राम शिक्षा। दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। महाराज दशरथ, आज सूर्य देवता उत्तरायण में प्रवेश कर रहे हैं। ये बड़ा ही पुनीत मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में अपने कुल देवता से जो प्रार्थना करोगे वो अवश्य सफल होगी। गुरुदेव,
आपके आशीर्वाद से अपार वैभव, सुख समृद्धि कीर्ति सब कुछ है, परंतु एक ही कमी है जो हमें व्याकुल किए रहती है। जिस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु, दिलीप, भगीरथ, रघु, हरिश्चंद्र जैसे परम प्रतापी यशस्वी राजा हुए हैं, क्या वो रघुकुल दशरथ के साथ ही समाप्त हो जाएगा? क्या हमारे बाद पितरों को पानी देने वाला कोई ना होगा? महर्षि वशिष्ठ, कुल देवता सूर्य भगवान से हमारी यही प्रार्थना है, यही पुकार है, सूर्यवंश का सूर्य दशरथ के साथ ही अस्त ना हो जाए। आप तो जानते हैं गुरुदेव कि कोई मां कहने वाला ना हो तो स्त्री अपने आप को पूर्ण नहीं समझती। एक मां के हृदय का आंगन जब तक सूना रहेगा गुरुदेव, तब तक संसार के सारे सुख वैभव इन महलों के खालीपन को कभी नहीं भर सकते। आप तो त्रिकालदर्शी है गुरुदेव, हमारे मन की व्यथा तो आप जानते ही हैं। महारानी कौशल्या, देवी कैकेयी, देवी सुमित्रा, आप निराश न हो, सूर्य भगवान आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, परंतु उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना होगा। तो फिर गुरुदेव उसमें देरी क्यों? आप यज्ञ का आयोजन कीजिए। परंतु देवी, हम वो यज्ञ नहीं करा सकते। आप नहीं कराएंगे तो और कौन कराएगा? अथर्ववेद के पूर्ण ज्ञाता ऋषिशृंग मुनि इसके विशेषज्ञ हैं। ये यज्ञ उन्हीं के द्वारा संपन्न होना चाहिए। तो फिर उन्हें बुलवाइए गुरुदेव और यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। नहीं देवी कैकेयी, उसके लिए तो महाराज को स्वयं उनके पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुदेव, मैं आज ही उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी आर्य सुमंत्र को बुलवाकर कहती हूँ कि वो सेनापति को आदेश दे कि महाराज के साथ जाने के लिए रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सेना तुरंत तैयार की जाए। महाराज आज ही प्रस्थान करेंगे। नहीं देवी कैकेयी, वहाँ रथ, हाथी, घोड़े, सेना की आवश्यकता नहीं। महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकार ही लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव, ऋषिशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं, भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन। मनावे राजा हुए प्रसन्न तथास्तु कहा फिर यज्ञ कर्म शुभ साजा।
फिर प्रकट भए एक पात्र खीर का लेकर पूरन होगी इच्छा तेरी कहा दशरथ को देकर रानी के कई से हमारा अभिनंदन करो महाराज का जय जयकार मेरी कई कई रानी का जय जयकार मेरी कई कई रानी का जय जयकार हो महाराज देवी सुमित्रा को पुत्र हुआ नहीं महाराज एक नहीं दो दो पुत्र हुए कृपा कृपा सूर्य भगवान बाजे 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 अवध बधैया दशरथ मगन है कितने राजा दशरथ मगन है कितने मगन है तीनों मैया मगन है तीनों मैया चार दिशा से फूल बरसते चार दिशा से फूल बरसते बसते हैं चारों भैया Yeah.
महाराज, अब हम चारों कुमारों का नामकरण करते हैं। कौशल्यानंदन का नाम केवल दो अक्षर का, किंतु इतना महान कि अनंत ब्रह्मांड उसमें समा जाए। अखिल विश्व को आनंद देने वाले सुखधाम का नाम राम। मेरे राम। और कैकेयी के इस लल्ला का नाम क्या होगा? त्यागमूर्ति, धर्मस्वरूप, जगत का भरण पोषण करने वाला कैकेयी कुमार विश्व में भरत के नाम से विख्यात होगा। गुरुदेव, सुमित्रा बहन के आंख के तारों का और इन दोनों राजदुलारों का क्या नाम होगा? हम इन्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ये समस्त लक्षणों से युक्त है, इसका नाम लक्ष्मण। और ये छोटे कुमार, छोटे हैं पर इनके नाम से शत्रु दहल उठेंगे, सो इनका नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। गुरुदेव, चारों भाइयों की कुंडली में ग्रह नक्षत्र कैसे हैं? क्या पूछना है अयोध्यानाथ? चारों पुत्र मानो चारों वेद तत्व उदय हुए हैं तुम्हारे कुल में। कोई दोष, कोई अवरोध, कोई अमंगल है ही नहीं तुम्हारी इन चारों मंगल मूर्तियों में। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। एक और योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वो क्या है धर्ममूर्ति? वैसे तो चारों भाइयों में भ्रातृप्रेम युग युग तक बखान किया जाएगा, परंतु विशेष रूप से एक ओर राम लक्ष्मण की जोड़ी और दूसरी ओर भरत शत्रुघ्न की जोड़ी ऐसे होगी जैसे एक प्राण और दो शरीर। धन्य भाग मेरे दोनों बेटों के, अपने बड़े भाइयों की छाया बनकर उनकी सेवा करेंगे। रजनी बीती घोर भई
क्या काम? माँ वो लोग सारे आम गिरा लेंगे। कौन लोग? भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हमारी होड़ लगी है ना, अमराई में आम पक गए हैं। आज हम सब अपने अपने बाणों से आम गिराएंगे, देखना है कौन अधिक आम गिराता है। अच्छा, तो इसलिए आप साथ धनुष लेकर सोए थे? हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पहले पहुँच जाएंगे और आम गिरा लेंगे। डरो नहीं, अभी कोई नहीं जागा। जागा नहीं है तो ठीक है, मगर मेरी धनुष तो दे दो। अच्छा बाबा, ये नहीं तेरी धनुष, लेकिन अभी नहीं, अभी तो कितने काम करने हैं। पहले स्नान ध्यान करो, भगवान को नमस्कार करो, अपने पिता को नमस्कार करो, कुछ खा पी लो, फिर चले जाना आम तोड़ने। इतने सारे काम पहले क्यों नहीं जगाया? कोई बात नहीं, चल। देखो मेरा आम गिर गया। देखो ये राम भैया के आम है। देखो मेरा पक्का आम गिर गया। देखो ये भरत भैया के आम है। ये लक्ष्मण भैया के आम गिरे। कुछ दिन और फिर कहाँ देखने को मिलेगा ये? क्यों? शीघ्र ही ये लोग गुरुकुल जाने वाले हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। हाँ, उसी दिन तो इन लोगों का युग्य पवित्र संस्कार भी है। और फिर ये वशिष्ठ के आश्रम में चले जाएंगे। इतनी जल्दी? इन लोगों के बगैर तो राजमहल सूना हो जाएगा। आप महाराज से कहिए ना, कुछ दिन और रुक जाए। नहीं, इसे रोकना संभव नहीं। यही मुहूर्त विद्या आरंभ के लिए सबसे शुभ माना जाता है। गुरुदेव की आज्ञा है कि उसी दिन चारों कुमारों का उपनयन संस्कार होगा। हमारा क्या होगा? यज्ञोपवीत संस्कार होगा। यज्ञोपवीत संस्कार? हाँ, तुम्हारे मुंडन होंगे, फिर यज्ञोपवीत धारण करके चारों भाई ब्रह्मचर्य व्रत लोगे, फिर ब्रह्मचारी बनकर हमसे भिक्षा मांगोगे।
आप हमें भिक्षा देंगे? हाँ, मुझे अधिक देना बड़ी माँ। लक्ष्मण भैया ने मेरा धनुष तोड़ डाला और आम भी छीन लिए। हम तुम्हें लक्ष्मण भैया से दुगने आम देंगे, लेकिन गुरुकुल जाकर इस तरह से आपस में लड़ना नहीं। गुरुकुल? गुरुकुल में क्यों जाना होगा? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और देखो, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन हैं। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान रूप में विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद पलंग पर सोना वर्जित है, भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा, सदा गुरु की सेवा करना। गुरु की सेवा कैसे करनी होगी? गुरु के सोने के बाद सोना, जागने से पहले जागना, गुरु आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना, यज्ञ हवन करने के लिए वन से समिधा लाना, अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। मैं तो बड़ी माँ से भिक्षा लेके जाऊंगा। अपने सगे संबंधियों के पास भिक्षा लेने नहीं जा सकते, ये वर्जित है। क्यों, इस नियम की क्या आवश्यकता है? बहुत महत्व है इस नियम का। धनी परिवारों के बालक बिना परिश्रम अपने घरों से अच्छी वस्तुएं लेकर आ जाएंगे, तो निर्धन बालकों में हीन भावना पैदा हो जाएगी, तो फिर सब बच्चों के अंदर समानता की भावना कैसे रहेगी? विद्यादान की जिम्मेदारी सारे समाज की है, किसी एक घर की नहीं। इसी भावना से गुरु आश्रम में भिक्षा का सिद्धांत बनाया गया है। गुरुकुल में हमें क्या क्या शिक्षा मिलेगी? वेद, वेदांग, स्मृति, उपनिषद, खगोल, ज्योतिष, गणित, संगीत, राजनीति, धर्मनीति। बस बस, आप इतना बता दीजिए कि वहाँ माँ की लोरी सुनने को मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लोरी सुने बिना नींद ही नहीं आती। लो और सुनो, गुरुदेव वशिष्ठ ने इसकी जन्म कुंडली देखकर कहा था, शत्रु भी दहल उठेंगे इसके नाम से, और ये जन्म भर माँ की लोरियां ही सुनता रहेगा। बड़ा वीर पुरुष बनेगा तू तो। क्या वीर पुरुष लोरी नहीं सुनते? हाँ, सुनते क्यों नहीं, पर वहाँ। वाह, मैं तुझे लोरी सुनाऊंगा। ब्रह्मचारी राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? आपके गुरुदेव। सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर वज्रधारी इंद्र के, पश्चात अग्नि देवता के, तत्पश्चात मेरे ब्रह्मचारी हो। अब मैं सूर्य देवता की आज्ञा से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे जो उत्तम गुण हो तुम केवल उन्हें ही ग्रहण करना, मेरे अवगुणों को ग्रहण नहीं करना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो। सत्यम वद,
धर्मम चर मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। अब चारो मेरे साथ मूल मंत्र का उच्चारण करो। ओम लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकते। वत्स गुरु आश्रम में चलो। गुरुदेव बाहर रथ तैयार है। देवी विद्या का व्रत लेकर बट ब्रह्मचारी के लिए सवारी वर्जित। कल्याण मस्त चलो। को
कुछ खा तो लीजिए। भूख नहीं। तुम सब यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए आए, परंतु विद्या ग्रहण करने से पहले ये आवश्यक है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय सीखे जाएं, क्योंकि यदि तुम बीमार हो जाओ, अपना शरीर कमजोर हो जाए, तो तुम अध्ययन कैसे करोगे, जीवन के धर्म कैसे सीखोगे। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। ये 5 तत्व अगर संतुलन में रहे तो शरीर स्वस्थ रहता। मनुष्य के शरीर पर जिन चीजों का असर होता है वो है उसका खाना पीना, वातावरण, उसके विचार, उसका आचरण। ये सब चीजें सात्विक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त असर पड़ता है उस चुंबकीय शक्ति का जिसके सहारे इस विश्व की हर चीज अपने अपने स्थान पर स्थित रहती है। आकाश में जितने तारे तुम देखते हो वो सब एक दूसरे की आकर्षण शक्ति के कारण ही अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हैं। उस चुंबकीय शक्ति से विद्युत अर्थात बिजली की लहरें निकलती रहती हैं। वो लहरें सूरज, चांद, सितारों और हमारी धरती, यहां तक कि हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में दिखाता हूं। देखो कैसे ये लहरें मनुष्य के शरीर पर असर डालती हैं। याद रखो, मनुष्य के शरीर में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं जिनके गिर्द ये तरंगे वृत्ताकार घूमती रहती है। वो दिखाई नहीं देती, परंतु उनका बहुत गहरा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सोते समय तुम्हें ऐसी दिशा में सोना पड़ेगा जिससे तुम्हारे शरीर पर धरती की उन लहरों का अनुकूल असर पड़े। हमसे पिताजी ने कहा था कि आश्रम में नंगे पांव रहना पड़ेगा, और ये भी कहा था कि धूप और बरसात में छाता नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों गुरुदेव? क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों को मजबूत बनाए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का वो सामना कर सके। आज तुम राजकुमार हो, कल को वनवास में जाना पड़ जाए और उस समय जो मजबूत नहीं होगा वो टूट जाएगा। इसीलिए ये कठोर तपस्या की आवश्यकता है। यहाँ झाड़ू मैं स्वयं दे दूंगी। श्वेता, झाड़ू ले लो इन सबसे। नहीं,
हमको तो ये झाड़ू देना है, ये गुरुदेव की आज्ञा है गुरु माता। गुरुदेव की आज्ञा है तो गुरुदेव के आश्रम में जाकर झाड़ू देना। फिर माता का आश्रम ये काम की नहीं विश्राम की जगह। अच्छा तुम सब लोग थक गए होगे, अब यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए दूध लेकर आती हूँ। हम दूध नहीं पी सकते, बहुत काम है गुरु माता। अच्छा क्या क्या काम है? कबूतरों को दाना डालना है। और एक खरगोश के पैर में चोट लग गई है, उसे आचार्य के पास लेकर जाना है और औषधि लगाना है। अच्छा अच्छा। और वो बचवा है ना कालू, वो हिरनी को बहुत तंग करता है, घास भी नहीं खाने देता, उसे भी गौशाला में बंद कर के रखना है। अच्छा अच्छा, तब तो बहुत सारे काम करने हैं तुम लोगों को। अच्छा ये तो बताओ तुम लोगों को अपनी अयोध्या याद आती है? हाँ बहुत याद आती है, रात को नींद भी नहीं आती। तो तुम्हें नींद नहीं आती तो अच्छा ऐसा करो, रात को तुम मेरे पास सोया करो। नहीं मैं आपके पास नहीं सोया करूँगा, आप मुझे लोरी नहीं सुनाएंगे। तो वहाँ ब्रह्मचारियों के बीच में कौन लोरी सुनाता होगा? राम भैया बहुत अच्छी लोरी सुनाते, बिल्कुल माँ की तरह। राम भैया राम भैया लोरी सुनाओ ना। ठहरो पहले भरत भैया के हाथ में पट्टी बांधो, फिर लोरी सुनाऊंगा। अब मैं ठीक हो गया, मेरी चिंता मत करो। भरत भैया तो ठीक हो गया, लोरी सुनाओ ना, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। हाँ राम भैया मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। मुझे भी मेरी माँ याद आ रही है। हाँ राम भैया सबको माँ याद आ रही है, लोरी सुनाओ ना। अच्छा अच्छा मैं लोरी सुनाता हूँ। आजा आजा री निंदिया धीरे धीरे से आजा, राजा बिच्छुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया आजा आजा री निंदिया धीरे धीरे से आजा, राजा बिच्छुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया तू तो है निंदिया
गुरुकुल की शिक्षा यही, सब हो एक समान, प्रथम धर्म तो कर्म है, जीवन कर्म प्रधान, जीवन कर्म प्रधान, हर स्थिति में जी सके, घर हो या वनवास, कर्म वीर बन कर रखे अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास। देवी अरुंधति, ये ब्रह्मचारी हमारे शिष्य हैं, इन पर अपने मोह का जाल ना डालिए। मैं मोह का जाल कहाँ डाल रही हूँ स्वामी, मैं तो एक माँ का कर्तव्य निभा रही हूँ। अपनी माताओं से दूर जब ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर की मेहनत से थककर घर आते होंगे तो इन्हें अपनी माँ की याद आती होगी। इन्हें थोड़ा सा माँ का स्नेह देने में आपकी शिक्षा में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाएगी? हम तो अपने शिष्यों के भविष्य के लिए ऐसा सोचते हैं जिन्हें वीर पुरुष बनकर दूसरों की रक्षा करनी है, इस धरती का पालन करना है। उनका जीवन अभी से एक कठोर तपस्या की तरह होना चाहिए। इन्हें कर्मठ बनाना चाहते हैं हम। कर्मठ बनाइए परंतु पत्थर मत बनाइए, भावना की कोमलता भी रहने दीजिए इनमें। आपने सुंदर बात कही, आप भी इनकी गुरुमाता हैं, इसलिए ये काम आज से हम आपको सौंपते हैं। हम इन्हें कर्तव्य की कठोरता सिखाएंगे, आप भावना की कोमलता सिखाइए। धन्यवाद, मैं इन्हें सामवेद का पाठ शुरू कराऊंगी जिससे इनका जीवन नीरस ना रह जाए, उसमें संगीत के स्वर गूंज उठें, तभी तो ये पूर्ण पुरुष बनेंगे।
सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है, जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है, इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अजन चक्र को जागृत करती है। अजन चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। यदि इस परम शक्ति का दुरुपयोग किया जाए या इसमें कोई भूल की जाए तो यही शक्ति बेकाबू हो जाती है, जिससे साधक भटक जाता है और भटका हुआ साधक खतरनाक होता है। वो इस शक्ति से दूसरों का भी नाश कर सकता है और अंत में यही शक्ति उसका भी नाश कर देती है। इसलिए यह आवश्यक है कि गुरु की आज्ञा और सहायता के बिना ये अभ्यास न किया जाए। जब ये शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है, जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर जाती है। वो परम चेतना की परिसीमा है, जहां तीनों काल और समस्त लोक उसके सामने प्रकाशित हो जाते हैं। आदि देव नमस्तु
सीदमम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते लोहितं रथमारूढं सर्वलोक पिता वंदना वैज्ञानिक भी है आध्यात्मिक भी। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके वंदना करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन में प्रकाश आता है और जीव के अंदर ऊर्जा बढ़ती है। यही समय योग साधना के लिए भी उत्तम होता है। योग क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, मन की सारी वृत्तियों को रोककर एक ही केंद्र पर मन का ध्यान लगाने को योग कहते हैं। योग से मन काबू में आ जाए तो सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, क्योंकि मन ही इस संसार में सबसे शक्तिशाली है। वही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है, वही पाप और पुण्य का कर्ता है। पुण्य क्या है, पाप क्या है गुरुदेव? किसी जीव का दुख दूर करना, उसे सुख पहुंचाना, उससे प्रेम करना, यही पुण्य है, यही धर्म है। और किसी को पीड़ा देना, किसी का मन दुखाना, यही अधर्म है, यही पाप है। प्रेम ही पुण्य है, घृणा ही पाप है। इन्हीं पाप पुण्यों में घिरा हुआ जीव एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता, मरता और फिर जन्म लेता रहता है। ये जन्म लेना क्या होता है गुरुदेव? मरण? गुरुदेव, ये मरण क्या होता है? प्राणी जब किसी शरीर में आता है तो उसे जन्म कहते हैं, और उस शरीर को छोड़कर किसी और स्थान पर चला जाता है तो उसे मरण कहते हैं। असल में केवल शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती। हमारे अंदर जो जीवित है वो जीवात्मा है। हम सब जीवात्मा ज्योति कणों की तरह समय के अनंत लहरों पर बहते चले जा रहे हैं। असल में हर जीवात्मा इस अनंत पथ पर अकेली ही सफर करती है। रास्ते में द्वीपों की तरह कई धरतियां, कई लोक आते हैं, जहां हम जन्म लेते हैं, जहां जन्म लेकर हम दूसरे जीवों के साथ मिलने बिछड़ने, दोस्ती दुश्मनी का खेल खेलते हैं। फिर एक दिन वहां का शरीर भी छोड़कर हम समय की लहरों पर फिर से अकेले ही आगे चल देते हैं। बिछड़ने वालों का मोह थोड़ी दूर तक पीछा करता है, परंतु जीव तो नए नए रूप धारण कर लेता है। नया जन्म होने तक वो कई नए नए लोगों के बीच नए नए रूपों में अकेला ही भटकता रहता है। इसका अंत कहां है? अंत केवल मुक्ति में है, और मनुष्य मुक्ति तभी पा सकता है जब पाप और पुण्य दोनों से परे हो जाए, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों ही जंजीरें हैं, एक लोहे की एक सोने की। परंतु जब तक जिएगा कर्म तो करेगा ही, वह कर्म या तो पाप होगा या पुण्य होगा, फिर प्राणी कैसे छूटेगा माया के इस बंधन से? तुमने ठीक कहा राम, कर्म तो करना ही पड़ता है, परंतु जब कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, फल की इच्छा से रहित हो जाता है, तो जीव कर्म फल से मुक्त हो जाता है। इसके दो ही सरल तरीके हैं, एक भक्ति और दूसरा साक्षी भाव का अभ्यास करना, अर्थात कर्ता का अहंकार छोड़ना, कर्ता होते हुए भी दृष्टा हो जाना। कर्ता होते हुए
त्रष्टा कैसे हो सकता है गुरुदेव? मेरे पास आओ, मैं बताता हूं। राम, अब अपने अंतर्मन को इस शरीर से बाहर निकालकर आओ मेरे साथ। अब यहां से देखो अहंकार और माया का संसार। एक गुरु है वशिष्ठ, जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और अपने शिष्यों पर अपनी विद्वत्ता का सिक्का जमाने की कोशिश कर रहा है। परंतु वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यादान तो पुण्य है। पुण्य है, परंतु पुण्य में भी एक डर है। यह अहंकार पैदा कर सकता है, जिससे बचना चाहिए। उधर देखो उन बच्चों को। ये अभी साथ पढ़ रहे थे, अभी लड़ रहे हैं। इन्हें इनका अहंकार लड़ा रहा है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप को दूसरे बच्चे से अधिक बुद्धिमान समझता है। यही हाल बड़े लोगों का है। जब मनुष्य इसी तरह से साक्षी भाव से अपने कर्मों को देखता है, तो उसमें अहंकार की भावना पैदा नहीं होती, विनम्रता आती है। इसीलिए कहा है, विद्या ददाति विनयम। सच्ची विद्या विनय प्रदान करती है। उसी विनय से जीव भक्ति पाता है, और जो भक्ति पा लेता है उसे और कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। वो जहां बैठता है वही तीर्थ स्थान बन जाता है, जो कहता है वही शास्त्र हो जाता है। राम, आज इतना ही। आज महाशिवरात्रि, भगवान की पूजा करनी है। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। Yeah.
नमो। कैसी सुंदर वीणा बजा रहे हैं, नृत्य को जी चाहता है। तो कौन रोकता है, प्रभु वीणा बजाएं और उनके भक्त नाचें और हम आनंद लें। हम अपने रघुवर के दर्शन कर आए। आपके रघुवर जी ने भी आपको देखा कि नहीं? उनकी वो जाने, पर हम तो जी भर के दर्शन कर आए। प्रणाम महारानी। ये सब क्या है हरि सुमंत? चारों कुमारों के नए वस्त्र। गुरु आश्रम से संदेशा आया है कि चारों कुमारों की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो चुकी है। माता पिता के भेजे हुए वस्त्र पहनाकर विद्यार्थियों को गुरु आश्रम से विदा किया जाएगा। क्या? क्या? हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए? महारानी, समय के साथ सब बदल जाता है। मैं आपसे आशीर्वाद और आज्ञा लेने आया हूँ उन्हें लाने के लिए। वो घर आ रहे हैं
हमारे बच्चे घर आ रहे हैं, ये सोच कर ही हमारा धैर्य छूटा जा रहा है। जाइए जाइए हरी सुमन, हमारे बच्चों को जल्दी से आश्रम से विदा करा के ले आइए। आज तुम्हारा गुरुकुल में रहने का अंतिम दिन है। मुझे जो विद्या तुम्हें देनी थी वो पूर्ण हो गई। आज दीक्षांत समारोह के समय मैं तुम्हें अंतिम उपदेश देता हूं। सा विद्या या विमुच्यते। सच्ची विद्या वही है जो मुक्त कर दे। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपने समस्त आदेशों से मुक्त करता हूं। अब जीवन पथ पर बढ़ने का मंत्र होगा आत्मदीपो भव, अर्थात मेरे आदेशों का अंधविश्वास करके पालन करना आवश्यक नहीं। अपनी विद्या, अपने विवेक के सहारे अपना धर्म, अपना कर्तव्य स्वयं निश्चित करो। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को जीवन में तीन ऋण चुकाने होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और आचार्य ऋण। देव ऋण भक्ति और पूजा से चुकाया जाता है। सब प्राणियों में भगवान का रूप देखोगे तो सारे प्राणी तुम्हारे लिए पूजनीय हो जाएंगे। यही भगवान की सच्ची पूजा है, इससे देव ऋण चुकाया जाता है। अपना सुख त्याग कर माता पिता की सेवा में समर्पित होने से ही पितृ ऋण चुकाया जाता है। अब रही मेरी गुरुदक्षिणा, तुम अपने आचरण से और कर्म से इस संसार में सुख, सुंदरता और प्रसन्नता फैलाओ। मानव धर्म के आदर्श स्थापित करो। दिलों से बैर निकालकर उनमें प्यार के बीज बो दो। यही वचन तुमसे लेकर मैं तुम्हें आचार्य ऋण से मुक्त करता हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मुझे जब भी याद करोगे अपने पास पाओगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बरस आपके ममता की गोद में बिताकर जाते हुए बस आपसे एक ही प्रार्थना है गुरु माता कि इस ममता के आंचल की छाया हम पर सदा बनी रहे। जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। तुम तो कोई भूल कर ही नहीं सकते राम, ऐसी मोहनी डालकर जा रहे हो कि तुम्हें भूलना मुश्किल हो जाएगा। महादेवी को प्रणाम। गुरु माता अरुंधति की चरणों में दास सुमंत्र का सादर प्रणाम। कल्याण हो आरे सुमंत्र। महारानी कौशल्या ने राजकुमारों के वस्त्रों के साथ आपके लिए कुछ उपहार भेजे। धन्यवाद कहना, आशीर्वाद देना अयोध्या की महारानी को। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, आर्य सुमंत्र अयोध्या के महामंत्री और तुम्हारे पिता के बाल सखा भी हैं, इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम आर्य सुमंत्र। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। आप ठीक समय पर आ गए हैं आर्य सुमंत्र। इन्हें अयोध्या भेजने से पहले राजकुमारों की तरह सुसज्जित करने में आपको हमारी सहायता करनी होगी। पर ना कहीं महारानियां ये ना कहें कि हमारे राजकुमारों को फूहड़ और गंवार बनाकर भेज दिया है। चलिए। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल
नगर में आ गए। जनता उनकी जय जयकार कर रही है, उन पर फूल बरसा रही है। भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमारों का रथ मणिकरण चौक तक आ पहुंचा है। जनता खुशी से पागल हो रही है। लेकिन मैं पूछती हूँ, वो राजमहल में कब पहुंचेंगे? राजकुमार रामचंद्र की जय। राम जी तो महाराज जितने ऊंचे हो गए हैं, वही शेरों जैसी छाती, चौड़े कंधे, नजर ही नहीं टिकती। मैं तो अपने भरत लाल को देख भी आई हूँ, भीड़ में बड़ी मुश्किल से घुस कर इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, सच? राम कैसा दिखता है? वो तो भरत से भी ऊंचा हो गया होगा। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अपने भरत को ही देखती रही, भरत को। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय। महल में आ गए, चारों भैया राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। वो राजमहल में आके क्या हुआ, क्या हुआ मारे? मैं नहीं जाऊंगी, इतनी इतनी खुशी मुझसे कैसे सह जाएगी? मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कहीं मेरी नजर न लग जाए, कहीं मेरी नजर न लग जाए उन्हें। राजकुमारों को सीधे महाराज के कक्ष में ले गए, उन्हें माताओं का कुछ भी ख्याल नहीं। हमें भी तो उनकी प्रतीक्षा थी, क्यों ना हम महाराज के कक्ष में ही चले, परंतु गुरुदेव क्या कहेंगे? का पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। अयोध्या नरेश, तुमने नन्हे अबोध बालक हमें सौंपे थे, आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांग, धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, समस्त विद्याओं में पारंगत बनाकर हम तुम्हें सौंपते हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सब और अधिक प्रतीक्षा ना कर सकी। हम आपके दोषी हैं महारानी। देवी अरुंधति ने हमसे कहा था कि कुमारों को पहले माताओं के पास ले जाना, किंतु राजकीय शिष्टाचारों में हम भूल गए, हमें क्षमा करना। अब आपकी अमानत आपके हवाले करता हूं। एक वनवासी ने इनसे बड़ी कठोर तपस्या कराई, अब इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लो। राम, मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्ति भाव से मां के चरणों की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में कई स्वर्ग समाए हैं, उन मात्र चरणों की वंदना करो राम। Thank you.
मेरा राम जियो, सदा खुश रहो। गुरुकुल के शिक्षा श्री राम के